आज हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के छता के कुदरा पुल पे। आपको बता दें कि ये पुल 20 सालों से सरकार के करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। न तो यहाँ पे कोई काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लोग का सपना हो गया है। यहाँ गांव वाले बताते हैं कि ये पुल पे कई विधायक, कई मंत्री और कई सरकारों के लोग आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को दिखाते हैं या सेल्फी खींचते हैं और चले जाते हैं। लोग परेशान हैं, गांव वाले भी परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से सटा हुआ है, लेकिन अभी भी इस पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे जिस हिसाब से पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे उनको काफी समस्याएं हो रही हैं और पुल से वो उनको इस पार से उस पार दर्शन करने में भी काफी समस्या हो रही है। बहुत दर्शनार्थी भी परेशान हो रहे हैं, उन्हें घूम के उन्हें चांदा के रोड से जाना पड़ता है, ये कोई इब्राहिमपुर होके जाना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की भीड़ चढ़े इस पुल पे, न तो आज तक किसी की ध्यान गई है, न ये यहाँ पे कोई काम करने की सोचता है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि पिछली सरकारें जो थी या फिर अब की जो सरकार है, सपा सरकार ने कहा कि हम बनवा देंगे, यहाँ पिछली सरकारें हो गई या अब की सरकारें में कोई मंत्री विधायक या कोई आया? हाँ, मंत्री जी विनोद सिंह आश्वासन दिए थे, पर्यटन मंत्री जी बसपा के मंत्री हुए थे। पर्यटन मंत्री विनोद सिंह ने कहा था कि हम यह पुल बहुत जल्दी पुजारी जी बनवा देंगे, आप लोगों की समस्या ये जान जाए। देवमर दुबे भी आए थे इस नए पंचवर्षीय में, विधायक जो हुए हैं, और हाँ वरुण गांधी स्वयं आए थे और देखकर सारी समस्या गए और कहा उन्होंने कि आश्वासन दिया कि पुल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा आपका। तो आप पुजारी जी और सारे जो जानते हैं दर्शनार्थी, सबको दिक्कत होती है इस पुल के न रहने से। बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, नदी जब बढ़ती है तो बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब जब देखने पर मतलब यह लगता है कि हम उस पार नहीं जा पाएंगे जी, लेकिन मजबूरी है जो हम लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं। इसके लिए बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बच्चे जो स्कूल आते हैं इस पार या कोई बाहरी आदमी आता है उसके लिए बहुत सी समस्या है। यहाँ पुल अगर बन जाता है तो हम लोग जठुआ धाम जाने के लिए जो दर्शनार्थी आते हैं इसी रोड से जाते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, नैये की तलाश करते हैं, कभी नैये मिलती कभी नहीं मिलती है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए पुल निर्माण कार्य कितने दिन से रुका हुआ है? कम से कम दो पंचवर्षीय है, सही कहते कहते लोग चले जाते हैं कि महाराज बनवा देंगे। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है या फिर कोई आते हैं, कुछ कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि बनवा देंगे हम, बनवा कर आप बाबा जाओगे बराबर पुल से, लेकिन जाने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई ये इस समस्या का कोई निदान नहीं अभी तक हो पाया है, इसलिए हम लोग ज्यादा असमंजस में, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारे जीवन काल में, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, बड़ा सुख। आप तक यहाँ नहीं आए? गांव गुदरा और इस पार है छतौना, उस पार है गुदरा सलाहपुर, छतौना सलाहपुर। विधायक है तो कानो आज तक न तो इस पुल पे किसी की ध्यान गई, न ही इस पुल पे किसी की आंख गई। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सुल्तानपुर जनपद के इस छतौना खुर्द नामक गांव के इस पुल पे
आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे गांव में पक्की सड़क से घर के लिए कोई भी रास्ता नहीं। जब चकबंदी आई थी उस तब से ही आज तक यहाँ पे रास्ता नहीं है। किसी की जमीन में से कोई आ रहा है, किसी की जमीन में से जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, जो आते हैं हम लोग शिकायत करते हैं तो यही बोलते हैं, जब जिसकी जमीन है वो देगा नहीं तो कहाँ से रास्ता बनेगा। आपका नाम? हमारा नाम प्रमोद सिंह। ये गाँव कौन सा? छतौना खुर्द। और दूसरी चीज, यहाँ पे सपा सरकार जब थी तब से गिट्टी पड़ी हुई है। स्कूल के बच्चे, मास्टर सब लोग पैदल आते जाते हैं गिट्टी पर से। अभी आज तक 4 साल हुआ गिट्टी फैले हुए, वहाँ पे रास्ता अभी तक नहीं हुआ, पक्की सड़क निर्माण नहीं हुआ। लोगों की इतनी समस्याएं होती हैं कि वो नाव के सहारे अपनी गाड़ियों, साइकिलों व जरूरत के सामानों को लेके इस पार से उस पार जाते हैं। वो भी एक घटनात्मक है, क्योंकि कभी भी अगर रस्सी टूटी तो नाव पानी में जा डूबेगी। सरकार इस पे न तो ध्यान दे रही है न ही कुछ काम कर रही है। कैमरामैन विपुल सिंह के साथ न्यूज़ रिपोर्टर तन में, उत्तर प्रदेश।